सेल्फ एस्टीम, एस्टिमेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? एस्टिमेशन का क्या अर्थ होता है? हाँ, अनुमान लगाना है ना, अनुमान। बढ़िया, अनुमान शब्द को ही पकड़ लो। तुम, तुम्हारा नाम क्या है? आशा, बैठो। ये नाम जानती हो या अनुमान लगाया कि मेरा नाम आशा है? जानते। तो अनुमान कब लगाया जाता है? हाँ, जब जब जानते नहीं। समझो बात को, अनुमान लगाने की जरूरत ही तब पड़ती है जब जानते नहीं। अनुमान एक तरह का तुक्का है। तुक्का जानते हो ना? तुक्का कब मारा जाता है? जब नहीं पता। तो जो शब्द है सेल्फ एस्टीम, उसका अर्थ ही यही है कि सेल्फ को जानते नहीं, इसीलिए एस्टिमेट कर रहे हो। जो जानेगा वो एस्टिमेट क्यों करेगा? सेल्फ नोइंग, सेल्फ रियलाइजेशन एक बात है और सेल्फ एस्टिमेशन बिल्कुल दूसरी बात है। इंडिविजुअल वो जो खुद को जानता है, जो अपने ही बारे में कंफ्यूज्ड नहीं है। हम कैसे रहते हैं? हम कैसे रहते हैं? कंफ्यूज्ड। कैसे कंफ्यूज्ड रहते हैं? समझो, घर पे बैठे हो, पापा कह रहे हैं पढ़ाई करो, ठीक है। दोस्त का फोन आ रहा है बार बार, वो कह रहा है बाहर आ जाओ। कभी कभी होता है ना, इससे मिलती जुलती कोई स्थिति रहती है कि नहीं रहती है? अब ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना बाहर जाने की हिम्मत हो रही है। होता है ऐसा? होता है? ये क्या घटना घट रही है, इसको गौर से देखेंगे। एक तरफ बेटा है जिसे पिता की बात सुननी है, और दूसरी तरफ दोस्त है जिसे दोस्त का साथ देना है। और आपको पता नहीं है कि आप बेटे हो या दोस्त हो। मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। मैं कभी बेटा हो जाता हूं, कभी दोस्त हो जाता हूं। जब बेटा हो जाता हूं तो पढ़ने की कोशिश करता हूं, जब दोस्त हो जाता हूं तो निकलने की कोशिश करता हूं। ये सेल्फ एस्टिमेशन है। मुझे अपना पता नहीं तो मैं अनुमान लगा रहा हूं, कभी कुछ होता हूं, कभी कुछ होता हूं। और मैंने तो दो बातें करी आइडेंटिटीज की। हमारी 1000 आइडेंटिटीज हैं और हम उन्हीं के बीच में फंसे रहते हैं। 1000 आइडेंटिटीज हैं हमारी और हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। असली कौन सी है उसका हमें कुछ पता नहीं, और बहुत सारी इधर उधर की नकली हैं जो हमने इकट्ठा कर ली हैं। जिसको मैं कह रहा था ना, गंदगी, धूल, धमास, गार्बेज, कहा था ना, कचड़ा आके इकट्ठा कर, उन्हीं में उलझे हुए। असली वाली का पता नहीं। अब चूंकि असली वाली का पता नहीं, तो नकलियों के बीच में तुक्का चलता रहता है। ये सेल्फ एस्टिमेशन है। असली का पता नहीं, इसीलिए नकली में खोए हुए हो। जिसे अपना हिसाब किताब पता होगा, जो खुद जानेगा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, उसे क्या पढ़ने के लिए पिता के धक्के की जरूरत पड़ेगी कि पापा आइए मुझे जरा डांट लगाइए, धक्का लगाइए, तब मैं पढ़ूंगा? पता हो। और अगर जो वास्तव में जानता होगा वो कौन है, अगर उसको दिखाई ही पड़ेगा कि अगर अभी यही उचित है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं और घूम फिर के आऊं, वो भी उचित होता है, उसमें कुछ गलत नहीं, कई बार वो ठीक होता है, तो क्या वो डरेगा बाहर जाने में, जो वास्तव में जानता है कि यही उचित है? पर हम जानते नहीं। हम जानते नहीं, उसी की परिणति होती है दुविधा में, भ्रम में, कन्फ्यूजन में। हमें पता नहीं हम क्या करें। और हमें क्यों नहीं पता हम क्या करें? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है। इधर उधर की नकली पहचानें तो हमें खूब पता है, वास्तव में
मैं हूँ कौन, इसका कुछ नहीं पता। तो एस्टिमेशन खूब है हमारे पास, रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। अनुमान खूब है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ऐसा जीवन है हमारा, है कि नहीं है? अच्छा, अगर जिंदगी ऐसी ही चले, ये किस्मत ही लिखा के आए हो, तब तो कोई बात नहीं। हम में से कोई ये शिकायत तो नहीं करता ना कि मेरे पास पांचवी आंख क्यों नहीं है, कि कोई करता है? अरे यार, आंख दो ही रहनी है, तो इसमें शिकायत की कोई बात ही नहीं कि तीसरी, चौथी, छठी आंख क्यों नहीं है, क्योंकि आंखें तो दो ही हैं, होती ही है। वो किस्मत की बात, बदली नहीं जा सकती। लेकिन हम अपने से अनजान रहे, ये किस्मत नहीं है हमारी, ये कंडीशनिंग है हमारी, और इससे मुक्त हुआ जा सकता है, होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा फर्ज, अपने प्रति सबसे बड़ा धर्म है कि सबसे पहले अपने मन को गंदगी से साफ करें। बात समझ रहे हो? और अगर वो नहीं किया तो फिर उठना, बैठना, पढ़ना, का खाना, कमाना, संबंधित होना, जीना ही सब व्यर्थ है। फिर तुम चाहे जो करो सब व्यर्थ है। फिर तो ऐसा सा रहेगा कि जैसे एक अंधा व्यक्ति बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाता हो, उसके लिए सारी जगह क्या है? व्यर्थ है, क्या देखेगा? जैसे तुम्हारा मूड खूब खराब हो और उस खराब मूड में तुम बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हो, वो सारे काम क्या है तुम्हारे लिए? व्यर्थ है, क्योंकि काम कुछ भी कर रहे हो, मूड तो कैसा ही है। और क्या यही हमारी हालत नहीं है? हम काम भले अलग अलग करते हैं, पर मन का माहौल तो लगातार ऐसा ही रहता है जैसे बादल गिरे हो, रहता है कि नहीं? काम बदलते रहते हैं, अंदर की अव्यवस्था नहीं बदलती। रहता है कि नहीं? और हम अंदर की व्यवस्था को बदलने की कुंजी जानते नहीं, तो हम सोचते हैं बाहर के कामों को बदलते चलो। पढ़ने में उब गए तो चलो थोड़ा खेल लेते हैं, खेलने में उब गए चलो लाइब्रेरी की ओर चलते हैं, लाइब्रेरी से उब गए चलो मॉल की ओर चलते हैं। लाइब्रेरी हो चाहे मॉल हो, जब अंदर की हालत एक जैसी है तो क्या फर्क पड़ा जगह बदलने से? जगह बदल गई, मन वैसा ही रहा। अब कुछ फायदा मिला? थक लिए बस, और पैसे खर्च कर दिए, इतना ही किया, और समय व्यर्थ किया, इतना ही किया। मन तो वैसा का वैसा ही रहा, और हमारी हालत ऐसी ही तो है। हम कहीं भी रहें, पीछे पीछे डर का सायरन तो बजता ही रहता है। बजता रहता है कि नहीं? कभी जोर से बजता है, कभी धीमे से बजता है, पर बजता तो रहता ही है। हम कहीं भी रहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तो डर का ही रहता है। भूतिया, भूतिया फिल्मों में भी संगीत होता है, सुना कैसा होता है? कैसा होता है, भूत नाच रहे हो, तो वैसा एक कुछ यहाँ हमारे बजता ही रहता है। अब खाना खा रहे हो तो भूत नाच रहे हैं, खेल रहे हो तो चुड़ैलें नाच रही हैं, हंस रहे हो तो भी ऐसा लग रहा है कि हंसी को ढो रहे हो, मत ही हंसो ज्यादा अच्छा है। बच्चे जैसी हल्की मुस्कुराहट खो गई कहीं, वो अब आती नहीं। हंसते भी तो ऐसे जैसे हंसी का बोझ उठाया और थक गए, क्यों हंसा? रहती है हालत की नहीं? ये सब सिर्फ भारी मन के नतीजे हैं, जिस मन में नकली सब कुछ भर दिया गया है, जिसके तले असली दब गया है। और उस नकली को निकालना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई और इसमें तुम्हारी मदद खास कर नहीं सकता। वो सिर्फ इशारा कर सकता है, तुम्हारा ध्यान आकृष्ट कर सकता है कि देखो तुम परेशान हो और व्यर्थ परेशान हो।
बात आ रही है समझ में? कल मैं एक कहानी कह रहा था एक बंदर की, वो बंदर बचपन से ही एक जंजीर से बंधा रहा था, बचपन से ही बड़ी पुरानी जंजीर और बड़ा पुराना बंदर। जंजीर थोड़ी लंबी थी तो उसको जगह मिल जाती थी जहाँ पे वो घूम फिर सकता था, कूद सकता था, तो बंदर को ये भ्रम बना रहता था कि मैं आज़ाद हूँ क्योंकि जंजीर थोड़ी लंबी है, तो एक अच्छा खासा क्षेत्र मिला हुआ है जिसमें वो घूम फिर सकता है। जहाँ वो घूम फिर रहा है वहाँ थोड़े एकाध पेड़ भी है तो कभी चढ़ जाता है कभी उतर जाता है, सब चलता रहता था। अब बंदर बड़ा हो गया, बंदर को और जगह चाहिए, बंदर को मुक्ति चाहिए, लेकिन चूंकि वो बचपन से उसी जंजीर से बंधा हुआ था उसने अपने आप को उस जंजीर से अलग कभी देखा ही नहीं था, तो बंदर को ये भ्रम हो गया था कि ये जो जंजीर है ये मेरा तीसरा हाथ ही है। तो कहता था मेरे तीन हाथ हैं, दो यहाँ और एक यहाँ। अब बंदर अपने तीनों हाथों के द्वारा मुक्ति की कोशिश करता रहता था। वो कहता था मैं कौन हूं जिसके तीन हाथ हैं। वो जहां भी जाता अपने तीनों हाथों को लेके जरूर जाता। वो कहता मैं तो तीन हाथ वाला हूं तो मैं जहां भी जाऊंगा अपने तीनों हाथों को लेके जाऊंगा, और तीनों हाथों को साथ लिए लिए साथ ढोते ढोते वो कोशिश करे जा रहा था किसकी, आजादी की। जाहिर सी बात है कि बंदर आज भी कोशिश कर रहा है और आजाद हो नहीं पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? हाँ, क्योंकि जो उसका बंधन है वो उसी को अपनी पहचान समझ रहा है। वो कह रहा है मेरे तो तीन हाथ हैं और इन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। वो भूल ही गया है कि कुछ नकली है जिसको उसने असली समझ रखा है और वही उसका बंधन है। हम सब की हालत वही है, समझ ही गए होंगे। हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ नकली है जिसे हम असली मानकर पकड़े हुए हैं और इसी कारण तड़प रहे हैं, दिक्कत है, परेशानी है, इसी कारण बंधे बंधे हैं। अपने को जानते नहीं ना, बंदर को पता ही नहीं कि तीन हाथ नहीं है उसके। ठीक इसी तरह हमें भी नहीं पता कि हमारे होने में कितना असली है और कितना कृत्रिम है, हम नहीं जान रहे। बंदर को कुछ करना नहीं है विशेष, बंदर को कहीं पहुंचना नहीं है, उसे बस इतना करना है कि ध्यान से देखे अपने जीवन को और समझ जाए कि जिसको मैं बड़े आकर्षण से, बड़े मोह से, बड़े लगाव से अपना हाथ समझता हूँ वो मेरा हाथ नहीं है। वो तो किसी मालिक ने मुझे गुलाम बनाने के लिए एक जंजीर डाल रखी है, मैं क्यों इस जंजीर से आसक्त हो गया हूँ? उस बंदर के पास सिर्फ तीन हाथ थे, हमारे पास 3000 हैं। हमारा दावा है कि ये सब हमारे असली हाथ हैं, ये असली नहीं है और ना हाथ हैं, ये सिर्फ बेड़ियां हैं। इशारा समझ में आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि तुम बंधे हुए हो उनसे लंबे समय से और तुमने अपना वो स्वरूप कभी देखा ही नहीं जब तुम बंधन मुक्त हो, तो भ्रम में मत रह जाओ। तुम अपने से बहुत अपरिचित हो, बहुत कुछ है बाहर वाला जो जानते होगे, अपने से बहुत अपरिचित हो।
बंदर को जब उसकी वो शक्ल दिखाई जाएगी जिसमें उसके सिर्फ दो ही हाथ हैं तो यकीन नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा हूँ। और हमारे तो 3000 हाथ हैं, हमारे वो बाकी सारे नकली हाथ हटा करके जब हमें हमारी शक्ल दिखाई जाएगी तो हमें यकीन ही नहीं होगा, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना हल्का, इतना पूरा। एक बंदर के गले में 3000 जंजीरें पड़ी हों वो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? गंदा, कुरूप, मरा मरा, भारी, कुछ कुछ वैसा ही ना जैसा कि सड़क पे चलता आम आदमी होता है, तनाव में दबा, थका, बोझिल, दुविधा में, कुछ कुछ वैसा ही जैसा अक्सर हम रहते हैं। इस बंदर को अंदाजा हो ही नहीं सकता कि इसका असली चेहरा कैसा है, कि ये बहुत सुंदर है, इसे पूर्ण बनाया गया है, कि इसमें कोई दोष है ही नहीं, ये परफेक्ट है, निर्दोष। फिर वो बंदर कुछ और बनने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझे कुछ और बन जाना है, फिर वो कहेगा मैं इतना इतना बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, संपूर्ण हूँ, और बन क्या जाना है। लेकिन उसके लिए उसे ध्यान से अपने मन को देखना पड़ेगा और परखना पड़ेगा कि ये मेरे हाथ हैं या बेड़ियां हैं, ईमानदारी से पूछना पड़ेगा। और ये समझ लो कि जो मालिक बेड़ियां डालता है ना गले में, वो साथ में दाना पानी दे देता है, खूंटे से तो बांधता है लेकिन साथ में सुबह शाम रोटी देता रहता है, और बंदर को एक छोटा सा पिंजड़ा भी दे देता है कि उसके सर पे छत रहे। जब बेड़ियां टूटेंगी तो सुबह शाम का दाना पानी भी छूटेगा और छत भी जाएगी, बंदर को फिर मुक्ति की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, और मुक्ति कीमत तो मांगती है, बंदर में हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं चाहिए दाना पानी, बड़ा हूं, जवान हूं, बच्चा नहीं हूं, तुम इस सुबह शाम की रोटी सब्जी की बहुत बड़ी कीमत वसूल रहे हो मुझसे। मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, और उस बंदर जैसे 1000 बंदर हैं उसके आसपास, उन सब ने इसी बात को सामान्य समझ रखा है कि कई कई हाथ होने ही चाहिए। जब वो आजाद होकर के वहां से निकलेगा तो बाकी बंदर उसकी हंसी उड़ाएंगे, ताना मारेंगे और डराने की कोशिश करेंगे, तो कहेंगे तू पागल है, तू मरने जा रहा है, देख यहां तुझे खाना मिलता था, अब खाना कहाँ मिलेगा तुझे, देख यहां तू बंधा हुआ था पर तेरी सुरक्षा भी थी इसमें, तू बाहर जा रहा है, तेरा कोई नुकसान हो सकता है, कोई दूसरा जानवर तुझे मार सकता है। पर जिन्हें आजादी चाहिए होती है वो डर का सामना करना जानते हैं, उन्हें पता होता है कि आजादी डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम नहीं परवाह करेंगे कि तुम सब क्या बोल रहे हो, तुम तो सब खुद ही गुलाम हो, तुम्हारे कहे की कीमत क्या, तुम आजाद होते
तो हम तुम्हारी बातों का सम्मान करते, पर जो गुलाम है, जिसका मन ही गुलाम है, उसके किसी भी वक्तव्य की क्या कीमत? गुलाम का तो कुछ भी उसका अपना होता नहीं। तो तुम्हारा जो भी कुछ कहना है मेरे बारे में, मैं उसको महत्व नहीं दे सकता। इसी को इंडिविजुअलिटी कहते हैं, निजता। मैं आज़ाद हूँ, मैं अपना स्वरूप जानता हूँ, मैं जो करूँगा अपनी दृष्टि से और अपनी चेतना से करूँगा। और इसमें अखड़पना नहीं है, इसमें द्वेष भावना नहीं है, इसमें सीधा सरल जानना है,